मेरा नाम शेवक मोतियानी है और उम्र मेरी 77 है। मेरे को टांग में इतना दर्द था, इतना दर्द था, कई डॉक्टरों को बताया, ठीक नहीं कर पाया, कोई भी ठीक नहीं कर पाया। सहारा लेके सीढ़ी से उतरना पड़ता था, थोड़ा चढ़ना पड़ता, किसी का हाथ पकड़ के करना पड़ता था, तब जाके। फिर भी वो जो घुटने में दर्द था, कई लोगों ने मुझे क्या बोला, ऑपरेशन करा ले। अब मेरा अंदर से आवाज़ ऑपरेशन तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि देखा हुआ ऑपरेशन से तो पता नहीं, कई लोग ठीक ही नहीं हुए, एंड तक बीमार हो पड़े रहते हैं। तो एक जहन में था ये ऑपरेशन तो कराना ही नहीं मुझे किसी भी कीमत में। भला एक दोस्त का, इसने मुझे कहा कि आप क्यों पंचर वाले के पास जाइए, संतोष जी इनका नाम है, आप उधर जाएँ, आप ठीक हो जाएंगे। बोला अभी क्या, फिर अचानक लगा चलो इतना आजमाया, चलो उधर भी देख लेते हैं। वे मिले जाके डॉक्टर संतोष जी से, अच्छा लगा उससे मिल के, अच्छा वाइब्रेशन था उसका। तो बताया पूरा स्टोरी, वैसा वैसा जरा नहीं चलो। बोला क्या बात है, आप मुझे, आपको तो मैं ऐसे ठीक कर दूँ। अरे वह कीजिए, नहीं बोला आपको तो 3 महीना मुरे को पूरा देना पड़ेगा। मैंने 3 महीना, बोला आपको बॉडी उधर से लेके ये टांग तो क्या, आपका पीठ क्या, आपका सब कुछ ठीक कर दूँगा। उम्र के हिसाब से तो आदमी सोचता ही है ना यार, कुछ ना कुछ तो होता ही है बॉडी में। मैंने बोला चलो ठीक है देखिए। 15 से 20 दिनों ने मेरे टांग पर काम किया, पता नहीं कहाँ कहाँ सुई लगाई, इधर लगाई, उधर लगाई, घुटने में लगे, पलाएंगे, धीरे 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 एकदम से चलने लगा। दर्द कहाँ गया मालूम नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी कुछ नहीं, आराम से चलने लगा। रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, कमाल हो गया, मैं तो बिल्कुल बढ़िया लगा मुझे। और फिर मैंने 3-4 दोस्तों को भेजा, 5-6 को भेजा कम से कम, वो भी ठीक हो रहे हैं, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। और फिर मैं अभी चल रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने बोला नहीं अभी 2 महीना और चाहिए, क्योंकि मुझे आपका पूरा ये देख रही है, बोलता ये भी ठीक कर दूँगा। वो बोलता है ये जो पीठ में दर्द होता है कभी आपको, वो ठीक कर दूँगा। मोशन जो अगर गलत आ रहा है, नहीं आ रहा है, या इस मोशन में कोई डिफेक्ट है, या उसको भी ठीक कर दूँगा। अभी ये उम्र में तो होते ही है ना थोड़े बहुत यार। तो अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी देता हूँ उसको 2 महीना और मुझे लगा है कि मैं ज़रूर कॉन्फिडेंस से ठीक हो जाऊँगा। और 100% लुक वाइज 77 नहीं तो कम से कम 50 का तो लगूंगा ही लगूंगा, ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कुछ भी को बहुत मेहनत की उन्होंने।